नमस्ते दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ड्राई फ्रूट वाल्स बनाने जा रहे हैं जो बच्चों की स्पेशल है। इस तरह के वाल्स बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही एनर्जी देगा और बहुत ही मज़ेदार वाल्स बना है बच्चों के हिसाब का, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए सामान बताते हैं। मैंने बटर बिस्किट लिया है, काजू लिया है 15 से 20 पीस, और अखरोट का टुकड़ा लिया है आधी कटोरी, नारियल पाउडर लिया है आधी कटोरी, कंडेंस मिल्क लिया है और खजूरी लिया है। अब बिस्किट को इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। अब इसे पीस लेते हैं। अच्छा महीन पीसना है, पीस लिए हैं। अब इसे बॉल में डाल लेते हैं। अब खजूरी को भी ग्राइंड करना है, पीसना है, तो इस तरह से इसके बीज को हटाते हुए और जितना मात्रा में बनाना है उस हिसाब से इसे ले लेते हैं। इस तरह से ले लिए। अब इसमें काजू भी ऐड कर देते हैं और अखरोट भी ऐड कर देते हैं। आप और भी कोई ड्राई फ्रूट चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छा महीन सा पीस लेते हैं। इसे पीस लिए हैं। अब इसे भी बिस्किट के साथ ऐड कर देते हैं। इसमें शक्कर की ज़रूरत नहीं है, हमने शक्कर यूज़ नहीं किया क्योंकि बिस्किट में भी शक्कर था और कंडेंस मिल्क में भी शक्कर है, तो इसलिए इसमें शक्कर की ज़रूरत नहीं है। खजूरी भी काफ़ी मीठी होती है, इस वजह से शक्कर यूज करना नहीं है। अब इस तरह से 4 या 5 चम्मच यूज कर रहे हैं। जितना में हमें इसे लड्डू बनाने में सही रहे इतना डालना है कंडेंस मिल्क को। लॉकडाउन के टाइम में मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद पौष्टिक वाल्स तैयार होगा और उन्हें बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बिस्किट का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बटर बिस्किट है इस वजह से। इसमें गैस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। देखिए, अब इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छा मिक्स हो गया है। अब इस तरह से ये मिक्स कर लिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है बढ़िया। अब इसका लड्डू बनाते हैं। अब इस तरह से दबाते हुए पहले उसका शेप दे दीजिए, फिर इस तरह से दोनों हाथों से एक बढ़िया सा लड्डू तैयार कीजिए। इस तरह से देखिए दोस्तों, हाँ इस तरह से बनाना है। अब इस तरह से सारे लड्डू को तैयार कर लेते हैं। ये तैयार हो गया, इस तरह से तैयार करना है हमें।
अभी लड्डू तैयार हो गया है। अब इसे मिल्क मेड में इस तरह से डीप करते हैं। और हमने ये बिस्किट का पाउडर बना के थोड़ा सा रख लिया था, अब उसमें इस लड्डू को डीप करते हैं और इस तरह से तैयार हो गया। आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए बढ़िया, और एक अलग सा बॉल्स बन गया। अब इसी तरह से इस लड्डू को वापस डीप करते हैं और नारियल पाउडर में इसे डीप कर देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर भी अलग हो गया और एक नए तरह का लड्डू तैयार हो गया। इस तरह से इसे बना लेते हैं। बहुत ही झटपट और एक बढ़िया सा स्वीट तैयार हो रहा है। अभी लड्डू तैयार हो गया है। आप इसे इस तरह से नहीं भी बना सकते, सिंपल भी रख सकते हैं। फिर इस तरह से बना दीजिए बच्चों को, इस तरह से लॉलीपॉप स्टाइल में भी अच्छे लगेंगे स्वीट। देखिए इस तरह से हमने बनाया है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे और बड़ों को भी पसंद आएंगे और बहुत टेस्टी।